शुद्ध शुद्ध बुधवार था, शुद्ध गुण शुद्ध गुण शुद्ध परण भेद कथनम पढ़िए। पढ़ लिया गया ये अशुद्ध शुद्ध व्यवहार हो इतना अशुद्ध गुण अशुद्ध गुण अशुद्ध परिशुद्ध परिणाम भेद कथनम अशुद्ध शुद्ध व्यवहार ने अशुद्ध गुण अशुद्ध गुड़ी अशुद्ध पर्याय में जो भेद कथन कर रहे हैं वो अशुद्ध शुद्ध व्यवहार ने है। समझ में आया? मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये जीव का धर्म है। तो अशुद्ध गुण हो गया और संसारी जीव अशुद्ध गुड़ी हो गया, तो अशुद्ध गुड़ी में जो भेद का कथन कर रहा है वो अशुद्ध शुद्धभूत व्यवहारने का विषय है। समझिए, इसको भी समझना चाहिए और सारे नियमों को समझ करके तत्व का निर्णय करना चाहिए। अब माने कि इन नियमों को तुम पढ़ नहीं रहे न समझ रहे हो और एकदम लगे हो आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, उसको नए सापेक्षता में ग्रहण कीजिए। त्रिकालिक शुद्ध है आत्मा, तो त्रिकालिक शुद्ध आत्मा जो शुद्ध आत्मा होती है, जो शुद्ध आत्मा होती है वो शुद्ध गुड़ी होता है, शुद्ध पर्याय होता है। जो यदि शुद्धात्मा है मनुष्य पर्याय में क्यों, शुद्धात्मा है तो मत्स्य शुद्ध ज्ञान के साथ क्यों, शुद्धात्मा है तो संसारी जीव क्यों? अब द्रव्यार्थिक ने इसी व्याख्या कर रहा स्वीकार, लेकिन वर्तमान में सामान्य मनुष्यादि गतियों में आप उसको त्रिकालिक शुद्ध कह रहे हो, तो सापेक्षता कथन कीजिए। कर्म निरपेक्ष शुद्ध बोल रहे स्वीकार है, लेकिन कर्म सापेक्षता सामने तो प्रैक्टिकल दिख रहा, प्रयोग में दिख रहा है कि ये खाना खा रहा, पानी पी रहा है, संसार के सुख भोग रहा है, क्या सिद्ध भगवान सुख भोगेगा? क्या लड्डू पेड़ मस्त लीन और रात्रि में खाना खा रहे हो 12 बजे और कह रहे हो मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं? अब त्रिकालिक शुद्ध में रट्टू तोते हो कि वस्तु शुभ को जानने वाले हो? दूसरा पक्ष, ये सब कुछ करते हुए भी श्रद्धा में बैठा हुआ नहीं, ये हमारी कमजोरी पर्याय की प्रत्याशक्ति कर्म सापेक्षता है। लेकिन आत्मा का स्वभाव तो सग स्वभाव में जनती की दृष्टि से हम चैतन्य भगवान आत्मा है, दृष्टि का विषय। इसलिए द्रव्यानियोग की व्याख्या बहुत संभल के करना चाहिए।